सत श्री अकाल, तुसीं सुन रहे हो न्यूजीलैंड दा नंबर 1 पंजाबी रेडियो, साडे वाला रेडियो 87.8 FM। मैं हां मनदीप कौर संधू लेके हाजिर हां पंजाब दे नाल संबंधित कुछ खास खबरां। कांग्रेस पार्टी चो कड्डे जाण तों बाद भदौड़ विधानसभा हलके तों साबका विधायक परमल सिंह तौला मीडिया सामने आए ने। परमल ने राजा वड़िंग दे फैसले नूं पार्टी दे संविधान दे खिलाफ दसदिआं दावा कीता कि उन्हां नूं पार्टी वल्लों कोई नोटिस जां कड्डण दा कोई पत्र नहीं मिलिआ। इह जानकारी सोशल मीडिया तों मिली है। साबका विधायक परमल ने पत्र ते इतराज़ जताउंदे होए कहा कि पत्र दे 3 महीने पहलां दी तारीख दर्ज है अते फैसला जनता करन ते आशंका जताई है। साबका विधायक परमल सिंह तौला ने कि मैनू मेरे एक साथी वालों सूचना दिती गई सी कि मैनू पार्टी चो कढ़न संबंधी अजिहा पत्र जारी किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी दे संविधान अनुसार पार्टी विरोधी गतिविधि वाले व्यक्ति नू कारवाई करन तो पहला नोटिस दिता जांदा, पर मैनू अजिहा कोई नोटिस देन दी बजाए सीधे तौर ते पार्टी चो कढ़न दा पत्र जारी किया गया जो कि पार्टी दे संविधान दे बिलकुल खिलाफ है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दे पहरावे नूं लै के कांग्रेस दे विवादित ट्वीट नूं लै के भारी हंगामा होया। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस दी भारत जोड़ो यात्रा नूं अग लाओ आंदोलन करार दिता है। संबित पात्रा ने सवाल कीता कि कांग्रेस अग नूं इन्ना प्यार क्यों करदी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी दे अधिकारिक हैंडल तों RSS दे पहरावे दी एक तस्वीर सांझी कीती गई जिस विच खाकी हाफ पैंट नूं एक पासे तों सड़दा दिखाया गया। कैप्शन च लिखा गया कदम दर कदम असी देश नूं नफरत दीआं जंजीरां अते भाजपा RSS वल्लों कीते नुकसान तों मुक्त करवा के अपने टीचे ते पहुंचांगे। तस्वीर च लिखा गया 145 डेज मोर टू गो। पंजाबी गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नाल जुड़े नित नवें खुलासे हो रहे ने। पुलिस जांच जिवें जिवें अगे वध रही है नवीआं उलझणां सामने आ रहीआं ने। इसका अंदाजा इस गल तो लाया जा सकता कि हुण तक मूसेवाला कतल केस विच 23 गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। इस तो अलावा इसे केस नाल जुड़े दो गैंगस्टर मनप्रीत सिंह मन्नू कुस्सा ते जगरूप सिंह रूपा पिंड पकना च होए मुकाबले दौरान मारे गए। पंजाब पुलिस ने लंघे दिन दीपक मुंडी ते उसके दो साथियों नू नेपाल विचों गिरफ्तार किया, उन्होंने पंजाब भी लिया है। पंजाब के DGP गौरव यादव ने कहा कि मूसेवाला के कतल तो बाद मुंडी ते कपिल दोवे कठे रहे सन अते कनेडा आधारित गैंगस्टर गोल्डी बराड दे निर्देशां ते अपने टिकाने भी बदल रहे सी। और इस नाल अहम खुलासा ए होया है कि गैंगस्टर दीपक मुंडी दे खुलासिया नाल बॉलीवुड तक दहल गया। दीपक मुंडी ने दावा किया है कि उन्होंने अगला निशाना सलमान खान सी। दीपक मुंडी ते उसके दो साथियों की नेपाल विचों गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि असी पूरी जड़ी कोशिश की सी, असी रेकी भी कर रहे सी कि सलमान खान की हत्या नूं अंजाम देने लई संपर्क किया जा रहा सी। केंद्र सरकार वल्लों गैंगस्टरां दे खिलाफ वड्डी कार्रवाई दे निर्देशां तों बाद केंद्रीय जांच एजेंसी NIA दी टीम वल्लों गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया दे घर च छापेमारी कीती गई और करीब 1 बजे छापेमारी खत्म हुई है। जग्गू भगवानपुरिया दी माता हरजीत कौर जो कि घर विच इकल्ले रहिंदे ने, उन्हां ने कहा है कि 5 मैंबरी टीम उस दे घर पहुंची सी। घर नूं चारे पासे तों पुलिस वल्लों घेराबंदी कर ली। तलाशी दौरान 2 मोबाइल, जग्गू समेत परिवार दे आधार कार्ड, बैंक डिटेल अते पेन ड्राइव समेत कुछ होर समान लै गए ने। उन्होंने कहा है कि टीम ने मूसेवाला कतल केस विच जग्गू दी शमूलियत बारे भी पुछताछ कीती है। नाल उन्होंने यह भी पुछया कि घर दा खर्चा किवें चलदा है। जग्गू दी माता दा कहना है कि घर दे अंदर पईआं अलमारियां, ट्रंक, पेटियां, दूसरे समान दी फरोला फराली भी कीती गई। दस दी कि गायक सिद्धू मूसेवाला कतल केस विच 50 थावां ते छापेमारी हुई है। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं मिलन दिल्ली पहुंचे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पंजाब पार्टी दे भाजपा च रलेवे बारे चर्चा कर सकते ने। इस तों पहला साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 30 अगस्त नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल भी मुलाकात कीती है। इस बारे उन्होंने ट्विटर ते भी कहा है कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नाल पंजाब दे वख-वख मुद्दयां ते चर्चा भी कीती गई है। अकाली दल दे सीनियर आगू बिक्रम मजीठिया ने आप सरकार दे मंत्री फौजल सिंह सरारे दी फरौती वाली टेप दी CBI जांच करन दी मांग कीती है। कैबिनेट मंत्री सरारे दी अपने OSD नाल गलबात दी ऑडियो टेप बारे गलबात करदिआं बिक्रम मजीठिया ने कहा कि मंत्री कुछ अधिकारियों नाल गलबात करदिआं उन्हां कोलों फरौती दी रकम हासिल करन दी योजना ते चर्चा करदे फड़े गए ने। उन्हां कहा कि OSD ने खुद गल आखी, ऑडियो टेप असली है ते हुण सरकार दे हत्थ है। उस सरारे खिलाफ
ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਪਰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥਾਣਾ ਲਾਂਬੜਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਜਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ 4 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਚਰਚੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚਰਚ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਖਿਲਾਫ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਲਾ ਰੇਡੀਓ 87.8 FM। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।